जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कम्युनिटी किचन से जिले में निर्धन असहाय निराश्रित लोगों को लगातार ड्राई फ्रूट राशन का वितरण किया जा रहा है। सिविल लाइन्स स्थित एक लॉज में बनाए गए कम्युनिटी किचन से अब तक करीब 6 से 7 हज़ार घरों को राशन पहुंचाया जा चुका है। इसी के साथ जानवरों एवं पशुओं को भी भूख से राहत प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। कम्युनिटी किचन में पहुंचे SDM सदर IS गौरव सिंह सोगरवाल और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IS अनुभव सिंह लगातार व्यवस्थाओं पर नज़र बनाए हुए हैं, जिससे लोगों के घरों तक आसानी से राशन पहुंचाया जा सके। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह ने बताया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के साथ ही निर्धन असहाय लोगों को भी राशन पहुंचाया जा रहा है, जिसका एक मैप भी तैयार कर लिया गया है, जिससे लोगों को प्रतिदिन आसानी से राशन उपलब्ध हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IS अनुभव सिंह ने बताया। जी प्रगति, देखिए अब तो है कि अब तो हमारे पास जो डिमांड आती है लगभग हमने पूरा उसको मैप कर लिया है। तो जहाँ पे भोजन भी जाता है वो हमें रोज़ पता होता है कि इन इन बस्तियों में, इन इन झुग्गियों में, या जो इंडिविजुअल्स भी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, कहाँ कहाँ पे जाता है हमने मैप कर लिया है। तो 90% तो हम वहाँ पे रोज़ भेजते हैं भोजन। कुछ अलग अलग जगह से डिमांड आती है तो उसको हम अपना गाड़ी से भेजते हैं अलग से। राशन का भी हमारा सप्लाई लगभग अभी स्टेबल हो गया है और लगभग 200 परिवारों को प्रतिदिन राशन जा रहा है। ऐसे परिवार जो राशन सप्लाई से, जो सरकारी राशन सप्लाई है PDS की दुकानों के माध्यम से नहीं हो पा रही, जिनको उनको राशन यहाँ से भेज दिया जाता है। अब तक करीब, जहाँ तक फूड पैकेट्स की बात है, तो फूड पैकेट्स तो 1 लाख से ऊपर जा चुका है हमारा। राशन भी करीब 6 से 7 हज़ार परिवारों को गया है।